जी इस पे हम रिपोर्ट लेंगे, कराते हैं इंशाल्लाह। तो ये जी ऑनरेबल सेनेटर मौलाबख्श चांडियो सर, मैं जी ले आए साथियों को, आप ले आए। सना आप भी चली जाएं। सेवर साहब आपकी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। मैं कभी भी बेकार बातें किसी जमाने में करता था, फिर आपकी आंखों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अभी मैं बहुत कम बोलता हूँ, अगर जरूरत करता हूँ तो ये नहीं। चले आपने भी मान लिया कि बेकार बातें अब नहीं करते हैं। मैं अभी इसलिए उठा कि अपोजिशन लीडर जो हमारे हैं, उन्होंने हमारी बहन से बात करते 3-4 जुमले ऐसे कहे जो किसी भी सोसाइटी में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में, पठानों में खवातीन के साथ ऐसे जुल्म नहीं किए जाते। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, पर इनका कसूर नहीं है। इनके लीडर न पश्तून है, न पंजाबी है, न सिंधी है, न बलोच है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, नहीं मैं सही बात करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी हुकूमत, मैं बहुत कम नाजायज हिमायत करता हूँ, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिससे गलतियाँ ना हो। कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने यहाँ कोई जन्नत बना दिया हो पाकिस्तान को, सबसे होती हैं। लेकिन बाज़ बातें ऐसी हैं जो इंतहाई शर्मनाक होती हैं, वो तरक्की से भी ज़्यादा ख़तरनाक और मुखालफत करने जैसी होती हैं। इन्होंने जो रवाज डाला है इस मुल्क में गुफ्तगू का, गालियाँ देने का, जो कल्चर सियासी इकदार से इनकार का, ये इस पाकिस्तान के बखिए उधेड़ देगा। इतनी जुदाइयाँ कभी नहीं हुई जितनी इनकी सियासत ने पैदा की हैं। उस दिन मैं सुन रहा था इनके लीडर को, वो कह रहे थे मेरा नाम बार बार न लो, आपके शोहर नाराज हो जाएंगे। अस्तगफरुल्लाह, ऐसा आना चाहिए, ऐसे कहेंगे आप? वो जिसके लिए कह रहे थे वो इस मुल्क की सियासतदान है, लीडर है, एक लीडर की बेटी है। मैं सिर्फ ये इसके लिए उठाऊं कि हम इनकी हिमायत करें। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये लहजा गलत है, ये अल्फाज गलत है, हम मजम्मत करते हैं। इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। आप आए दिन उठते हैं, लोगों की नस्लों को निकाल कर बाहर फेंकते हैं। आप उस दिन भी, मैंने आपको सुन रहा था आपके दोस्त को टीवी पे, वो नेकनामी की बात कर रहा था, सरदारी साहब के नेकनामी की बात कर रहा था। आपकी नेकनामी सबको पता है, जवानी की भी, बुढ़ापे की भी। आपके तो बुजुर्गों ने अपने आपकी नेकनामी के किताब खोले हुए हैं, आपने आपकी किताब में वजीरों के नाम लिखवा दिए जिनके आपने किए हैं। हमें तो मना है बिलावल साहब की, हम आपकी जातियात पे बात नहीं करते, वो नाराज हो जाते हैं। वरना आपकी जातियात पे जब हम बातें करें ना, तो खुदा की कसम सुनने वाले भी मजा ले 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 लेकर जिंदगी गुजार ले। थैंक यू।